वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को एक बार फिर से। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सागरिका जी, और एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए। सागरिका जी को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो हमारे पास पहले भी इस चैनल पर आई हैं और प्रमानेंट जर्नलिस्ट हैं, अक्सर छपती रहती हैं अखबारों में, तो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है वो। सो मैं बात को शुरू करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मुद्दा वो है, आज जो जजमेंट जो 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 कमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के संदेश खाली वाले केस में, वो हम बात करेंगे। बात की शुरुआत वहाँ से, लेकिन हम दरअसल बात को उनसे समझना चाहेंगे ये पूरे के पूरे केस के बारे में। संदेश खाली वाली जो घटना है वो है क्या, उसकी बैकग्राउंड या इवन जो बाद में जो इवेंट्स हुए उन सबको इसलिए समझना चाहेंगे ताकि आप हम सब इस हॉरर को समझ पाएं कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या है। बिकॉज जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है प्रोबेबली वो बहुत थोड़ा सही है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि सागरिका जी उस बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्म कर पाएंगी। सागरिका जी, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, आपको स्वागत है आपका। और बताएं, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, और फिर हम चले इसकी बैकग्राउंड में और बात करेंगे। स्टेज इज योर्स। थैंक यू। एक तो बहुत धन्यवाद मुझे फिर से आपके चैनल पर स्वागत करने के लिए, और नमस्कार आपके सारे ऑडियंस को। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कॉलमिस्ट हूँ, और जी कई सारे बड़े पब्लिकेशंस में, NDTV में, CNN News 18 फर्स्ट पोस्ट पर पब्लिश करती हूँ अपने कॉलम्स, पर इस विषय में मैंने पब्लिश नहीं किया है। यूजुअली फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स पर रहते हैं मेरे कुछ जितने विचार रहते हैं उन पर टिप्पणी करती हूँ। तो इस पर, इस विषय पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद फिर से। तो बात ऐसी है ना कि जो बंगाल, पश्चिम बंगाल का राज्य है, उसका एक इतिहास रहा है, बहुत खूंखार इतिहास रहा है। हिंसा अधिक हुआ है जब से कम्युनिज्म का छाया पड़ा है उस पर, क्योंकि एक समय, चूँकि बहुत पुरानी बात नहीं है कि 1920s, इतना पुराना नहीं है, ये एक हब होता था पश्चिम बंगाल, जो कलकत्ता है वहाँ की राजधानी, कलकत्ता में ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का कैपिटल होता था भारत देश में। तो आप समझ सकते हैं कि सारी इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ वहाँ पे थी। अब जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, उनका जो तरीका था कोई अपना पावर पावर का एक मतलब बनाए रखने का, अपने पक्ष में रखने का एक जो जरिया था, वो एकदम पूरी तरह से हिंसा पर निर्भर था। गांव गांव में जहाँ पर कोई दरिद्रता तो थी ही, जहाँ पर कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा होते थे, पर ऊपर से जहाँ पर जॉबलेसनेस था, किसी के पास नौकरी नहीं होती थी, किसी के पास कुछ नहीं होता था। Yes, go on. Yeah. Okay. That was the thing, कि अगर मतलब उन गांव वालों को उकसाया गया, और एक तरीका हो गया कि मतलब सिर्फ एक दो जरिए होते थे अपना एक लाइवलीहुड कमाने का, या तो आप गुंडा बन जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या तो गवर्नमेंट जॉब ले लें, और सारे ये सब एक साथ काम करते थे। तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं बोलूँगी कि जो मारिच छापी का मैसेकर था, मोरिच छापी पे, इस पे बुक भी है, मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, ये विकिपीडिया पर क्या क्या था वो भी एटलीस्ट इस मुहूर्त में काफ़ी साफ दर्शाता है कि क्या सिचुएशन था। तो ये आप देखिए, मारिच छापी जो था ना, ये 1979 में हुआ था, और मतलब ये इतना मतलब इतने मृत्यु हुए थे, इतनी हत्याएं हुई थी, पर आज के तारीख में बाकी देशवासी इसकी बात नहीं करते हैं। हम पार्टीशन याद रखते हैं, है ना, हम मुजफ्फरनगर भी याद रखते हैं, पर इसका जो स्केल था, इतना विशाल, इतने विशाल स्केल पर हत्याएं हुई थी, एकदम बेचारे लोग थे जो कि रेफ्यूजीज थे, हिंदू थे, उनको बांग्लादेश में उनका नरसंहार तो हो ही रहा था, एक एक को पकड़ पकड़ के उनकी हत्याएं हो रही थी, तो उनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने स्वीकारने से नकार दिया यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो उनको एक मोरिच छापी में
सेटल कर दिया। पर जो लोअर कास्ट कहते हैं बेसिकली, एंड वो सोशली भी ऑस्ट्रेसाइज नहीं थे, क्योंकि थोड़ा पश्चिम बंगाल थोड़ा कास्ट अनकॉन्शियस था उस समय, पर उनके पास कोई जरिया नहीं था अपनी देख रेख के लिए, तो वो वैसे लोगों की बहुत अधिक मात्रा में हत्याएं हुई थी। तो इसका एक लिंक अगर आप कर सके तो आप ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, कारण ये एक बहुत अहम इतिहास का पन्ना है जो कि जिसके बारे में बात की नहीं जाती है। और मतलब कई बार हुआ है ना, नंदीग्राम में भी 14 गांववासी मारे गए थे। अब 14 कहते हैं, मेरे जानने में उससे अधिक हो सकता है, कारण कई बार वहां पे क्या होता है ना कि कोई रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं। आप अगर पूछे ना कि पेपर्स का, मैंने अपने आंखों देखी, मैं गई हूँ बॉर्डर्स पर जहाँ पे समंदर वाला बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, मैंने खुद ने देखा है कि जो इंडिया साइड पे जो सेटलमेंट्स हैं, लिटरली कुछ नहीं है, आप मानेंगे नहीं, कुछ नहीं है, एकदम मार्श लैंड, सिर्फ कीचड़ कीचड़ रहता है वहाँ पर, छोटे 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 से हटमेंट्स हैं, वहाँ पर लोग आके बस जाते हैं बांग्लादेश से, और जो बांग्लादेशी है उसके बाद जल्दी जल्दी ये सेटलमेंट्स में ना रोज नए नए लोग आते हैं, वहां से उनका फिर आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, फिर वो चले जाते हैं कहीं पर भी, मुंबई जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, और इनकी संख्या कोई करने वाला है नहीं। तो अब यही लोग अगर मतलब और वायलेंस में इन्वॉल्व हो, खैर ये नहीं होते, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट बॉर्डर बहुत ही पोरस है वहां पे। तो फिर खैर नंदीग्राम की बात कर रहे थे, तो मतलब ये जिनकी संख्या है ही नहीं, जिनका मतलब कोई आधार नहीं है उनको गिनने का, तो हम कैसे बोले कि इतने ही लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं है ना जो कि ये काम करने में बहुत सफल रही हैं। तो अभी संदेश खाली की बात, एटलीस्ट मीडिया, आपको नाम पता है उस जगह का, ऐसे कई बार हुआ है, कई गाँव में हुआ है कि लोगों की मृत्यु स्केल पर हुई है पर किसी को नहीं पता। वहां के कुछ कार्डर्स, मतलब आप हट नहीं सकते, जो काम करते हैं ना, जिन पार्टीज के साथ जुड़े हैं, उनका एक वायलेंट मतलब हिंसा ही उस पार्टी का बेसिस हो चुका। पहले कम्युनिज्म में हम सोचते थे, जब ममता बनर्जी आई पश्चिम बंगाल में, तब ऐसा रहा कि लोग खुश हो गए कि कोई कुछ भी बदलाव आए इससे तो बेहतर होगा, कोई परिवर्तन भी इससे बेहतर होगा। वो परिवर्तन के उसमें ही आई थी, स्लोगन भी उनका परिवर्तन का ही था, तो उस स्लोगन को लेकर आए। काम उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है, क्योंकि उनका अब अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स है वो उसी पर निर्भर होकर अपना खड़ा करी है जो राजनीति, तो उनकी राजनैतिक क्षमता भी उन गुंडों पर निर्भर है जो पहले कम्युनिस्ट पार्टीज के होते थे। अब कम्युनिज्म का उतना स्ट्रेंथ रहा नहीं इलेक्शन, उससे इलेक्शन के माध्यम से अब जितने सारे गुंडे उनके लिए काम करते थे, अब सब टीएमसी के लिए काम करते हैं। तो इन्हीं में से जो ज्यादा शक्तिशाली गुंडे थे उसमें से कुछ जाके अब सेंट्रल एजेंट्स की नजरों में आ रही है, बट ये दृष्टि हर जगह हो नहीं सकती, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेल पर काम करता है, और हर ह्यूमन जो है वहां पर बहुत ही भयभीत रहता है, कारण अगर किसी को पता चल गया, आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया या चाइना में जो लेवल का स्पाइंग होता है, सिटीजन ऑन सिटीजन स्पाइंग, बच्चा अपने माता पिता के ऊपर बोल देता है, भाई अपनी बहन के ऊपर बोल देता है, उस लेवल ऑफ स्पाइंग की परिवारवासी या बाजू वाला जो आपका नेबर रहा, कोई भी आपके बारे में कंप्लेन कर सकता है हेड को ना, तो इस वजह से कोई साथ देता नहीं है। फिर भी सेंट्रल एजेंसीज ने जाकर, एक तो आपने बोला वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उसका एक छोटा सा स्निपेट दिखाती हूँ। बेसिक जो विषय का क्रक्स है वो ये है कि अब शेख शाहजहां जो टीएमसी के हैं ना, तृणमूल कांग्रेस के जो हैं, वो पकड़े गए हैं। अब वो जो पकड़े गए हैं उनको कोर्ट ने पूछा कि आप प्राइवेट सिटीजन हैं कि आप स्टेट मिनिस्टर विनिस्टर कुछ, तो उनके वकील बोले तो प्राइवेट सिटीजन है, तो उन्होंने केस एडजॉइन कर दिया कि आप प्राइवेट सिटीजन हो गए, व्हाई शुड द स्टेट, मतलब जो राज्य है
वो आपकी सहायता के बिल्कुल, तो उनके अगेंस्ट जो चार्जेस है क्या वो स्टेट के अगेंस्ट होने चाहिए फिर, है ना? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट ये चार्जेस लगने हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से केस फ्रेम हुआ है वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अगेंस्ट सीबीआई फ्रेम हुआ है। तो ये कैसा कैसे हो सकता है शेख शाहजहां अकेले काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझिए कि उनके बचाव के लिए इसे तो मतलब पुरुष भी नहीं कह सकते, पर इस क्या ही बोले, मॉन्स्टर की राक्षस असुर जो भी है, क्योंकि अगर आपने उनके अगेंस्ट चार्जेस देखे हैं तो किसी को भी डरना चाहिए। ये एक जिसे स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं बट उसका कोई क्या बोले उसको, मतलब बाहुबली पर, बाहुबली एक हर बाहुबली सिर्फ ऐसा नहीं होता है, राइट? ये हर प्रकार के एक यौन शोषण और ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, मर्डर सब में इन्वॉल्व रहा है। और ये तो एक इंसान, ये तो हेड है, इसके अंडर में जितने लोग थे, क्योंकि ये टीएमसी का बड़ा नेता माना जाता है। अब आप देख रहे होंगे हॉल में कितना, और ये कैसे होता है, कोई अकेला तो ये कर नहीं सकता ना, सिर्फ एक बंदूक के नोक पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसके पीछे जो फंडिंग है, कितने सारे स्कैम्स आए हैं, इसके पीछे जो वेपन्स है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा तो पिछले ही सप्ताह में ये संदेश खाली में सीबीआई ने बहुत सारे आर्म्स वो किया है, वेपन रिकवर किया है। मतलब आप सोचिए, गांव में, पश्चिम बंगाल में गांव है, ठीक उसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर होता था पहले, ये एग्जैक्टली वैसा ही एक किला बना के रख दिया, गढ़ बना के रख दिया, कि जहां पे एक पार्टी और उसके गुंडे और उसके बाहुबली वहां पे ऐसे काम कर पाए ना। मतलब सोच के थोड़ी घबराहट होती है। आप सोचिए, आपके माता पिता, और मेरे जानने में है जैसे हमारे अब ऐसे मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, पर वही है ना कि हर जो मुंह बोली बातें हैं उनका कोई वो नहीं रहता है, कोई प्रूफ कम ही मिलेगा, प्रूफ नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो कि एकदम इनफॉर्मल है पर वहां पे लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वहाँ पे पुश्तैनी जायदाद है तो आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं, वहां पर एक छोटा सा दुकान खोल गए हैं और उनकी छोटी सी खेती बाड़ी है, खुद खेती नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो खेती कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट देखिए एक समुदाय से आते हैं, वो वहाँ की खेती बाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष समुदाय के ही पास होते हैं कुछ गाँव में, तो वो छोटे छोटे गाँव में कैसा टेक ओवर होता है कि अब आपने उनको एक वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है, वो काम करके चले गए। अब अगर दूसरे वर्ष में उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए तो वो 25% आपका जमीन ले लेंगे, उस पर उनका कब्जा होगा, राइट हो गया, वो वही अनकहे नियम है। तो आप अपना जमीन छोड़कर जा ही नहीं सकते, आप राज्य से मतलब कहीं और, क्योंकि वहां पर नौकरियां तो है नहीं, तो आप कहीं और सोचें कि मैं जाकर नौकरी करूंगा, पर आपके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपका उनका ध्यान कौन रखेगा। और ऐसे ही एनक्रोचमेंट तो बहुत नॉर्मल चीज है, कोई भी जॉब, अगर आपने पेंटर बुलाया कि मेरे लिए पेंटिंग कर दो, और ये कम्युनिज्म के समय से चल रहा है, यही बात है कि कोई परिवर्तन लाया नहीं है टीएमसी के राजनेता ने, राजनीति ने, कारण कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आपके नजरों में ही कुछ बदल जाता तो वो बात अलग होती है। अभी बात ऐसी है कि अगर कोई पेंटर को भी जॉब दिया, अगर किसी को भी जॉब दिया, वो जैसे एक कम्युनिज्म का एक नियम नहीं है कि आप पार्टी वर्कर हर एक चीज का कट देता है पार्टी को और खुद सेल्फलेसली रहता है ना, तो कट लिया जाता है, हिंसा पूर्वक लिया जाता है, तो कोई भी छोटे काम के लिए। तो जो दरिद्र है वो कहाँ सपने किसके देखेंगे, वो यही सपने देखेंगे जो युवा होती है, युवा पीढ़ियां होती है, यही सपने देखते हैं कि हम भी बाहुबली बनेंगे, बाहुबली बनेंगे तब राजनीति में जा सकते हैं, उसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते। तो आप सोच सकते हैं कि किस सोच विचार के लोग वहां पे राजनीति में जाते हैं, और ये उनके लिए कोई
बात नहीं है, कारण इनको इसकी आदत है और राज्य के लोग इतने असहाय, इतने होपलेस हो गए हैं कि उनको एक, संजीव सन्याल ने एक फ्रेज कहा था, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, बिहार के विषय पर बात करते हुए कि यूपीएससी के आगे कोई एस्पिरेशन नहीं है, उस तरह से कहा था। वैसा ही है कि पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, यहाँ पे पॉवर्टी क्या है, क्योंकि उनको दिख रहे हैं कि सिर्फ बाहुबलियों के पास पैसे होते हैं, उनके पास शक्ति होती है, बिल्कुल, और कोई रास्ता ही नहीं है। युवा पीढ़ी भी वही सोचती है कि हम भी यही करें, और लोग देखते हैं कोलकाता, कोलकाता के कुछ रस्ते और कुछ सड़क देख कर खुश हो जाते हैं। कोलकाता के आगे पश्चिम बंगाल का पूरा राज्य है जो बॉर्डर तक के जाता है, बिल्कुल, वहाँ के लोग, वहाँ के गांववासी, वहाँ के, और बहुत कल्चर्ड है, इतना इतिहास है वहाँ के हर गांव में। मतलब कृष्णनगर आप देखें, अगर मायापुर के पास है, वो मायापुर इसको हेडक्वार्टर्स है ना, तो वहाँ पे जो क्ले का काम होता है, टेराकोटा बनता है, बेसिकली टेराकोटा की ज्वेलरी बनती है, टेराकोटा के स्टाइल, मतलब बहुत, वो जैसे बस्तर में आपको दिखेंगे कि पॉटरी और ये सब जो होता था, वैसे जो कलाएं हैं, ये सारे यू नो स्पेशलिटीज होती है कोई भी जगह की, ये सब तो तबे हैं, मतलब कोई क्या करेगा इंसान, आप मैक्सिमम वहां पे करते हैं आपका हस्तकला, आप परस्यू करके आपका जितना, आप कितना कमाएंगे, कोई वहां पे किसी के पास क्षमता है नहीं कि वो एक चीज के लिए 100 रुपए दें, सच में नहीं है वहां पर। इसके अमर्त्य सेन वगैरह ना, ये शांति निकेतन वगैरह में रहते हैं, देखिए वहां के बड़े घरों में ना संथाल जाके उनके लिए स्पेशल परफॉर्मेंस दे, देखिए वो ठीक नहीं लगता, अगर कोई स्टेज पर परफॉर्म करे अपना हेरिटेज के लिए और पर्सनल मजे के लिए, एक थोड़े से एक्सप्लॉयटेटिव, बस उनको खाना पीना और थोड़े कुछ चंद पैसों के लिए ना, वो अपने आप को एक मतलब जबरदस्ती का परफॉर्म कर रहे हैं, दैट स्मॉल स्केल जो उनको कभी प्रमोट करेगा नहीं कोई लेवल पर, उनके पास काम ही कुछ कुछ है, तो ना ये लोग वहां पे खुश रहते हैं, वहां का सोसाइटी ऐसा है कि जो लोग एलीट है जाते हैं, क्योंकि सब तो विदेश में रहते हैं, जब नहीं रहते हैं तब चले जाते हैं शांति निकेतन में, वहां पे एक पौष मेला होता है जो कि बहुत सुंदर है, दिसंबर में होता है, तो दिसंबर मतलब पौष, बांग्ला प्रोनंसिएशन है, हिंदी वाला नहीं, नहीं, ओके, पौष, पौष इज इन हिंदी द सेम मंथ, या कोई मास, वहां पे मेला लगता है, तो वहाँ के जो आर्टिजन्स हैं वो आते हैं अपने कुछ बेचने, आप मानेंगे नहीं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, विश्व वो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देखेंगे टिपिकल जेएनयू स्टाइल, सबके छोटी लंबे बाल झोला, उनका जो कला है वो हम लोग काफी सोच लगाकर एक यू नो अर्बनाइज्ड आर्टिस्ट को, शहरी जो कलाकार है उसके कला को हम ज्यादा कीमती मानते हैं, है ना, तो वो अपनी कला बेचते हैं कई गुना ज्यादा दाम में, और इनका जो पटचित्र है, ढोकरा का काम है, मेटल वर्क, मेटल फिलामेंट का काम होता है, और हाथ के पेंटेड, हैंड पेंटेड फैंस रहते हैं, हाथ पखा बोलते हैं हम उसे, सब बेचते हैं, कितने पैसे में पता, 20 रुपए में बेचते हैं, 60 रुपए में बेचते हैं, जो चीज आप कोई शहर में खरीदेंगे 300 रुपए, और अगर कोई चाहे तो यही चीज है बाहर लेकर उनको बड़ा कट दे सकता है, देखिए वहां के एनजीओस बहुत, पर कोई काम नहीं करता, ये काम कोई करता नहीं है, क्योंकि आप अगर, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देना चाहूंगी, बुद्धा है ना ट्रैफिक जाम बोलकर विवेक अग्निहोत्री की मूवीज है, मुझे पता है कई लोगों को उनकी मूवीज एक पसंद नहीं आती है, अब ये मूवी पुरानी है, ये उस समय का नहीं है जहाँ पे यू नो आप सोचे कि उनका कोई राजनैतिक संबंध रहा है या कुछ, ये मूवी ये सब आने से पहले की है, पर उन्होंने ना ये नक्सलवाद का जो सिलसिला है बहुत अच्छे, और कैसे वो अर्बन नक्सलों से जुड़ता है बहुत ही बेहतरीन तरह से एक मूवी के, मतलब वो इट्स अ वेल प्रोड्यूस्ड मूवी, आई एम जस्ट सेइंग दैट एस्थेटिकली वो बहुत अच्छा लगेगा, जिसको टेक्निकली जज करने की आदत है ना कि इसमें ये नहीं हो, लाइफ है ना ट्रैफिक, बुद्धा है ना ट्रैफिक जाम बहुत अच्छी मूवी है, और वो वही दर्शाता है जो एक्चुअली हो रहा है, एटलीस्ट मैंने भी देखा हुआ है ये कई सारे गांवों में होते हुए,
तो ये है बंगाल की स्थिति। अब उसमें संदेश खाली जो हुआ है, हम शायद कई लोगों को यही वो सुन के अचंभक हो रहे हैं, कारण या तो वो बंगाल से बाहर रहता प्रवासी मेरी तरह, या तो, और प्रवासी कई होते हैं जो जुड़े नहीं रहते। अब हमारी थोड़ी है कि हम जुड़े रहते हैं, पर कई लोग विदेश चले गए, कहीं और चले गए। जिन लोग को पता है वो यही सोच के थोड़े सरप्राइज हो रहे हैं कि अच्छा ये बात बाहर निकली भी है, कारण हमारे लिए बहुत आम बात है। सिर्फ ऐसा गांव नहीं है, आप सोचिए ना वहां की महिलाएं कोई और गांव की महिलाओं से क्यों अलग होंगी। वहां का राजनीति और बाकी टीएमसी का बाकी राजनीति किसी और से तो अलग नहीं है। सही, इसमें टीचर्स स्कैंडल भी हुआ था। तो बेसिकली ये आप सोचिए कि जो अभी सॉरी मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं आपको जो स्टेट में वो था ना कि स्टेट वर्सेस सीबीआई, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सीबीआई, बात ये है कि जो वहां की जनता, वहां का टैक्स कलेक्शन है, जो टैक्स पेयर के पैसे, उससे बचाया जा रहा शिक्षा जा रहा। लड़ रही है जो पश्चिम बंगाल का राज्य लड़ रहा है, वो मतलब आपके पैसों पर लड़ रहा है। बिल्कुल, से पूरे देश से जो पैसे गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्य को, उससे लड़ा जा रहा है शिक्षा जन का केस। क्या बात है, क्या बात है। जो आदमी सोसाइटी का दुश्मन है उसके उसका उसके केस को लड़ा जा रहा है सोसाइटी के पैसे से। नॉट बैड। तो ठीक है, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश जाने कि कहां के क्या हो क्या रहा है। एग्जैक्टली अगर आप ये बता पाए हमको सागरिका, एग्जैक्टली हुआ क्या था संदेश खाली में, जस्ट फॉर द लेमैन, सो दैट पीपल गेट टू नो कि दरअसल हुआ क्या था, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ये इसलिए ले रहा हूँ सो दैट जिन लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में उनको मालूम हो जाए। Shit. I'm sorry. Yes, I know you'll have to be descriptive, but then this is how it is. You know, people got to know. It's a human tragedy. People should know about it. ठीक है, तो अब संदेश खाली का नाम कई बार सुन लिए होंगे। ये 24 परगनाश, उत्तर 24 परगनाश में एक गांव है। तो I think बशीरहाट जिले में आता है। उसके सब डिविजन में आता है। तो अब वहां पर कितना समय हो गया इसको, 1.5 महीना 2 महीना हुआ है आराम से, फेब्रुअरी में हुआ है ना ऑलमोस्ट। बिल्कुल, तो फेब्रुअरी में वहां पर कुछ खबर आई, और ये कैसे आई, मतलब उसमें भी मैं थोड़ी शॉक्ड हूँ कि कैसे कोई बोलने दिया है, कारण वहां से खबर बाहर नहीं आती है। आप समझ पा रहे हैं कि वहां के गुंडे ऐसे हैं कि वो बोलते मतलब कर लो जो करना है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड है कि वो बोल रहे हैं कि कर लो, आपको NHRC जाना है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, विमेन्स कमीशन फॉर विमेन वेलफेयर जाना, आपको जहां पे जाना है चले जाओ, क्या कर लोगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस है। तो वहां पर जो वहां के गांववासी हैं कॉन्स्टेंटली, जो मैंने आपको स्थिति बताई जो पूरे राज्य में है कि जमीन हड़पा जाता है और हिंसा होती है, अगर आप उनकी कोई बात ना माने हर चीज में कट लिया जाता है, वो सब तो चल ही रहा है, ठीक है। पर उसके सिवा सॉरी एक सेकंड मुझे ना रुकना पड़ेगा। जरूर। कोई बात नहीं, सॉरी। तो बेसिकली लैंड ग्रैबिंग, तो उसके बाद जब लैंड ग्रैबिंग की बातें आने लगी, साथ साथ में एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण के कई सारे खबरें आने लगी। तो जब पूछा गया तो वहां की महिलाएं इतनी सासी थी कि वो बोलने लग गई, अपनी कहानियां बोलने लग गई, और बांग्ला में वीडियोस हैं, आप कहीं मिले तो इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, कारण वो कहते हैं
कि अगर एक नई बहू आई, आते जाते रहते हैं वहां पे, है ना, बाइक वाइक पे आते जाते, वहां के जो गुंडे हैं वो आते जाते रहते हैं गांव में, देखते रहते हैं सड़कों पर, कौन है वो अच्छी लग रही, उसका वर है मतलब पति है ना, शादीशुदा है, विवाहित है, कोई बात नहीं बहन, तुम हमारे साथ चल रही हो, उठाकर लेके चल रही हो, नई नवेली दुल्हन आएगी, नई नई शादी करके, छोटी मतलब कितनी 21-22 की लड़कियां होंगी आएंगी जैसे शादी करके, वो फिर वही महिलाएं कहती हैं कि उनको पता रहेगा पहले से कौन, मतलब दिस वाज अ वेरी सिस्टमाइज थिंग, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी है, वो एक देखिए एक हिंसा पूर्वक एक जो राजनीति है ना वो इस पर निर्भर होता है कि कितना डर कितना भय आप बैठा के रखें बना कर रखें, क्योंकि अगर देखिए भय ऐसी चीज है ना, अगर एक बार आप साहसी बन गए भय के अगेंस्ट तो ना फिर से भय नहीं बैठ, पावर बनाए रखते थे और उसके जरिए कई सारे थे, और देखिए वहां पे लैंड एनक्रोचमेंट बहुत नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया जिस तरह से एक एक जरिया मैंने वो बताया कि खेती बाड़ी ली जाती है, दूसरा है कि ये बहुत कॉमन है, ये देश के कई भागों में होता है, तो ये पश्चिम बंगाल का वो नहीं है, बट जो गांव है ना उसके आसपास इलीगल सेटलमेंट्स होने लगता है धीरे धीरे, आपका जायदाद एक घर बना दिया, ठीक है, अब वो केस आप कैसे लड़ेंगे, किसने घर बना दिया, जो छोटा था आपको दिखा नहीं, एक मतलब टेम्पररी लॉजिंग बना दिया, टेम्पररी लॉजिंग बना दिया, और टेंट बनाकर रह रहा, आपको लगेगा लेबरर है, टेंट अचानक से छोटा सा घर बन जाएगा, आपके जमीन पर है ना, तो आपके जमीन पर घर है तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाते जाते तो वो कुछ और हो जाएगा, किसने मजार बना दिया, एक परिवार है वो दूसरे परिवार को लेकर आएगी अपने, अरे ये तो हमारे गाँव वासी है, या तो रेंट में हो, पहले रेंट में भी होता था, उतना लंबा कोई रुकता ही नहीं है, अब ऐसे पूरा ट्रक भर बोट भर भर के आता है वैसे तो, पर हर जगह में भारी मात्राओं में इलीगल इमिग्रेशन करके बिठाए गए हैं, और उनको लोकल सपोर्ट है, पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है, उनको लोकल और सिटीजंस का सपोर्ट है, तो ये एक सिस्टम, और वो सिस्टम में ये महिलाओं का शोषण, एक पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए, एक भय को बनाए रखने के लिए, एक पावर को बनाए रखने के लिए, और ये देखिए कोई बोल रहा है, मुझे सबसे खराब ये लगता ना कि जिन लोग फेमिनिज्म और ये सब की बातें करते हैं, ये सबसे सबसे मैं कहूंगी खतरनाक लोग हैं, क्योंकि फेमिनिज्म क्या सिर्फ एक एक्टर या ऑलरेडी जिसके पास पावर है उनके अगेंस्ट कुछ होता है, जब सब बोल रहे हैं उसी में आपके आवाज में लाने के लिए है क्या, ये जो लोग हैं ये सबसे निर्धन सबसे दरिद्र लोग हैं जिनके पास सच में कुछ नहीं है, जो आदिवासी हैं, SC ST कम्युनिटीज से आते हैं, और आप नहीं जाने तो ये कह दूं कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा बेस है वो ये है, कोई अपर कास्ट पॉलिटिक्स एक्चुअली वहां पे नहीं होता है ऐसा, पर ये जो लोग हैं स्पेशली ये दलित हैं, SC ST जो भी हैं ये वैसे हैं, तो उनको बहुत भय है कि अगर एक भी बार कोई और पॉलिटिकल पार्टी आई तो इनका सपोर्ट उनको मिलेगा, आप सोचिए ना 3 सीट से लेकर 77 सीट तक जो गए हैं, आई थिंक उतना ही हुआ था राइट पिछले बार, तो हाँ, तो जो ग्रोथ थी भले जीती नहीं तो जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा राइट, 77 कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते थे, आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी सीट्स दे वन, I think they won, maybe they won 20 or something, 18, 20 seats they won. There was substantial rise, basically. It was an immense rise. So that is something that will make them afraid, right? DMC dar jai. So, and ye, again, this is entrenched. Waha ke aap scams ka number agar dekhe na, to industrial scams kam hai.
अब सोचिए टीचर टीचिंग वाला स्कैम जो था वो गवर्नमेंट टीचर वाला पोजीशन का स्कैम था। अब सीबीआई ने बोला है कि कोर्ट ने बोला है कि 25,000 जो जिनको वो मिले हैं वो सब डिसमिस हो जाएंगे और उनको एक टाइमलाइन दिया है जिसके अंदर जो उनको सैलरी मिली है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कहा है कि सबके सब तो हम उस जरिए से नहीं आए थे, हम रिश्वत देकर नहीं आए थे, हम स्कैम के माध्यम से नहीं आए थे, हम अपने बल पर आए थे। तो आप अब उसको भी डिवाइड करके वो फिर से बोला गया है, सीबीआई को टास्क दिया गया है कि आप देखें कि ओएमआर शीट्स अगर रिकवर हो सके तो उसमें से कौन कौन लोग एक्चुअली क्वालिफाई हुए हैं। सी द सेंट्रल एजेंसीज आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग थिंग्स राइट फॉर द कॉमन सिटीजन। क्योंकि देखिए मैं ये उनको ब्लेम नहीं करूंगी, अगर आपके पास यही जरिया है कुछ बनने का, चीटिंग करने का, मतलब चीटिंग करने का नहीं, आप पैसे देकर, आपको बोला गया कि आप पैसे देकर टीचर बन सकते हैं, पैसे देकर ही आपको नौकरी मिलेगी, तो आप पैसे देकर ही नौकरी दे रहे हैं तो आपको लगेगा ना कहीं ना कहीं कि मैं क्यों मेहनत करूं। सही बात है, ठीक बात है, पैसे ही हैं तो मैं मेहनत क्यों करूं। इन एनी केस कोई और पैसे देकर चला जाएगा, आप पढ़ाई कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ट्राई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो ये जो कॉमन मैन के लिए है, जो आम आदमी के लिए है, उनके पास कुछ बचता नहीं है, उनके पास जरिया ना, तो जो हो रहा है उनके लिए भी मतलब खराब है, बट फिर उनको अपनी राजनीति पलटनी पड़ेगी, एक जो लोकतांत्रिक व्यवहार है उनको एक रिवोल्ट करना पड़ेगा, करना बहुत कठिन है। वही कह रहे हैं क्योंकि उनके पास जो कैश रिकवर हुआ है, जो शस्त्रों का वो मिला है उनको, वो इम्पोर्टेड गन मशीनरी है, ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं, उसके खिलाफ कोई गांव वासी क्या कर लेगा। सही बात है, बिल्कुल, मतलब उनके पास फाइनेंशियल मसले हैं, सोशल मसले हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। और ये जो आदमी था आपने देखा होगा पुलिस उसे कैसे बचा रही थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक राज्य का अपना यू नो सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल सेंट्रल सरकार नहीं चाहती, वो राज्य सरकार के अधीन आती है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो वहां पे पुलिस थी, पुलिस तो शेख शाहजहां को बचाकर एकदम ऑलमोस्ट चरणों में पड़ जाते उस तरह से लेकर आ रहे थे। जब सीबीआई पर तो उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, तो अब राज्य के लिए, राज्य की सरकार उसके लिए केस लड़ रही है कोर्ट में। तो बात यह है कि ऐसे शुरू हुआ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, उससे अब जाके पता चला कि इतनी सारी आर्म्स स्मगलिंग चल रही। मतलब पता है लोगों को ना ये ऐसा लगता है कि हम बड़े हुए हैं ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, बस एक वो एक धारणा रहती है और उसको हम काउंटर नहीं करते हैं, दैट पॉलिटिक्स डज नॉट हैव टू बी डर्टी। आप अगर डॉक्टर एस जयशंकर को देखें या सुने, संजीव सन्याल को सुने या निर्मला सीतारमन जी को सुने या स्मृति ईरानी जी को सुने, आप एक आर्टिकुलेट जो व्यवहार है, मतलब एक आर्टिकुलेट एक बोलने का तरीका है या कुछ एक इंटेलेक्चुअली एडिक्वेट पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल लिए उसको जर्नलिस्ट कुछ छाप दिए, आप तो सुन ही नहीं रहे मंत्री को क्या बोल रहे हैं। अगर आपको सच में तो एक मतलब एक लगता है कि ये जो विषय है इतना मतलब घटिया नहीं है, इट कैन बी करप्ट एट अ सर्टेन एज, दैट इज नॉट समथिंग यू कैन जज राइट बेस्ड ऑन दोस डिस्कशंस, पर गंदा तो नहीं लगता है ना, क्योंकि ये लोगों की अपने एक कॉन्फिडेंस, एक एक्सपोजर, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है और कुछ भी नहीं बोले जा रहे राइट। तो काफी हम बदलाव देखे हैं, काफी परिवर्तन हम खुद देखे हैं ना जब से हम छोटे थे आज तक के। तो पहले कौन बोलते थे, जो जर्नलिस्ट थे वो लोग इस तरह से बात करते थे, अब तो हमारे खुद के मंत्री हरदीप सिंह पुरी देखें या कोई भी देखें, कोई भी मंत्रालय में जितने लोग हैं, अश्विनी वैष्णव, वो लोग तो एक आर्टिकल। तो हमें ये सोच से थोड़ा दूर होना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स कैन बी डर्टी बट शुड वी सेटल फॉर दैट। तो ये जो पश्चिम बंगाल का वो राजनीति है ना, वो वही जताता है कि पॉलिटिक्स कैन बी इनक्रेडिबली डर्टी। जो बिहार था वो मैंने आपको बताऊं, मैंने ट्विटर पर ठीक है संदेश खाली रिवील होने के पहले, एक दिन पहले शायद, मैंने ना ट्विटर पर पोस्ट डाला था कि कुछ तो लालू प्रसाद यादव की बात हो रही थी, और देखिए मुझे पता है बंगाल राज्य के बारे, पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में ना, तो ऐसे ही लिखा कि हाँ हाँ ऐसा था और पश्चिम बंगाल भी इसी तरह से, क्योंकि बिहार की भी हूँ मैं, बिहार से भी नाता है हमारा, झारखंड से, तो
मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं जान रही हूँ बचपन से देखे हुए हैं दोनों राज्य, मैंने बोला कि हाँ एकदम से। तो वहां के कुछ लोग आ गए एकदम खूब गंदे शब्दों में ना बोलने लग गए कि तुम लोगों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है, तुम बाहर के लोगों, सरल सिन्हा है तो हम बांग्ला में सिंह कहते हैं तो उसको ब्रिटिश वर्जन का सिन्हा हो गया है। सेम वो एक कास्ट सरनेम है जो अक्रॉस स्टेट्स सेम रहता है। तो उस वजह से बोलने लगे तुम बाहर के हो, तो मतलब कुछ लोगों ने करेक्ट किया कि ये तो बंगाली है और मैंने लिखा कि मैं बंगाली प्रवासी हो ना, मैंने कहा अच्छा जी, और शेख शाहजहां जो बांग्लादेशी होंगे या कोई और बांग्लादेशी वो आपके हैं और हम हैं बाहर के। तो मतलब ये कोई सिस्टम नहीं, और खूब गंदे गंदे कि नहीं नहीं बंगाल इज वेरी सेफ एंड एनसीआरबी का डेटा कहता है कि कोलकाता वाज द सेफेस्ट प्लेस। मैंने कहा एक तो डेटा गलत होगा क्योंकि आंखों देखी को मैं वो नहीं कर सकती ना, नजरअंदाज करके बोल दूं यही सही होगा, डेटा कुछ तो नंबर बना दिया तो सही होगा। नहीं मैं उसका मैं जांच करूंगी, अगर डेटा ऐसा कह रहा है तो मैं सोचूंगी कि बेसिस कौन से आधार किस आधार पर है, कारण वहां पे केसेस आप देखें नंबर ऑफ केसेस, ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर नहीं हुए हैं, रिपोर्ट नहीं हुए, क्योंकि इट इज नॉट, इट इज नॉट इवन द सिटी इज नॉट वेरी सेफ, हाउएवर द रेस्ट ऑफ द स्टेट इज इनक्रेडिबली अनसेफ, क्योंकि ये सब आम बात है। मैं यू नो आई हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस सागरिका, आई हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस, माय वाइफ वंस वेंट टू कोलकाता, यू नो we were about one point of time we were trying to buy some land in Kalyani and again of course got cheated you know TMC ka rasta us time pe. So anyway, but then one thing that she shared with me when she came back was that you know I could not believe what she said at that point of time, but after hearing you I can relate to it. She said I could sense the violence in the air. This is not something, it's not a usual sentence that you generally get to hear. But he said, "Nahi, there was violence in the air. You could feel that there is violence. You know, you, without anybody having spoken to you, you know, if you speak to somebody, there can be danger. You know, it's that kind of stuff, which is like, I don't know. I mean, but I found it very unusual because this is not normally what you get to hear about a place. So this was that I wanted to share. Ji, go ahead." No, the contrast between what we were the people who drove the nationalist Swatantrata movement, right? Yeah. We were the people who were, you know, Ramakrishna March, Sri Aurobindo, everyone. We were the people who gave so much to the world. And we were bodybuilders, we were, you know, scholars, we were filmmakers, we were artists. And what the state has been reduced to, and this is not a commentary on the, that's what I want to say, that this is not a commentary on the people there. The people obviously retain the values, right? You see, you take them out to any other place, they perform exactly like they would in that. However, the system in the state is such that you cannot be that person anymore. तो मैं आपको एक वो फोटो दिखाना चाहती हूँ जो मैंने एक इसका देखा था, बॉडी बिल्डर्स का। तो मैं वो बस सोच रही हूँ कि उनके प्रोफाइल पर मिल जाए अगर, बट यू नो वी वर एलीट बॉडी बिल्डर्स जिनको मतलब पीपल इनवाइटेड टू इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस। That's one of the photos. क्योंकि कुछ लोग it hasn't come as yet. Sagarika, you're frozen. Yeah. I haven't got the picture as yet. No, I'm just sharing my screen. Okay. जो मेंस एक्सपी में एक आया था, आप अगर देखें तो ये सब कोलकाता के बॉडी बिल्डर्स है ना, बुडलाल बोस, मूलचंद, सुबोध मुखर्जी,
So they were invited, and they were like, look, जो अनुशीलन समिति जिसकी बात संजीव सन्याल कई बार कर चुके हैं, this was based on you know the discipline of the Akhadas. So bodybuilding, the martial culture, even Gopal Patha, who was Gopal Mukherjee, was a butcher. अब सोचिए कि एक ब्राह्मण बुचर है, which is like it's not common with us. That's why I said it wasn't very caste conscious before the British, who systemized the divide and rule by giving away lands of the poor to some of the Brahmins and creating that divide. Before that, it was relatively caste unconscious. We followed the Yajnavalkya Smriti, not the Manu Smriti. So that gave rights to the widow, etc., due to which, you know, there was a missionary device to educate some of the sections towards sati and all that. But anyway, you know, we were the kind of people who had a lot going for us if we had good politics, because the caliber of society of people is immense. And I mean, much like the rest of the country, right? Where you can take any state in India and all of us have our own stories. वही वाली जो aspiration है, वही जो क्षमता है, वो इस तरह से दबाए रखी गई हिंसा पूर्वक तरीके से. और उस सबसे खराब बात ये लगती है कि मतलब जो महिलाओं के साथ जिस तरह से शोषण हुआ है, और उसी में एक जन जो है एक सर्वाइवर है, रेखा पत्र, जिसको बीजेपी ने फील्ड किया है वहां के संदेश खल कॉन्स्टिट्यूएंसी. जी जी बिल्कुल. ये वेरी इंफॉर्मेशन में था कि उन्होंने वहां से उनको फील्ड किया है. I just hope that she deserves to win from that place. I mean, after having gone through what she has, and whole community has gone through that. Shavika, thank you so much for this day and for your time. I hope it brings some light. It's never enough, you know. These are events that we need to talk about time and again, so they don't get repeated ever. But thank you so much for your time today, and we'll catch you up again. व्यूअर्स से मैं ये बताना चाहूँगा कि शागरिका का अपना एक चैनल भी है. मैं आपको उसका लिंक नीचे देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. यू कैन फॉलो हर ऑन देयर एंड यू विल फाइंड सम वंडरफुल स्टफ राइट नाउ. आजकल वो टैक्स के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो स्पेशली हिंदी में, इंग्लिश में, हर जगह आपको मिल जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो हर. थैंक यू सो मच शागरिका फॉर दिस डे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.